नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्य और आप देख रहे हैं आइडिया सिटी न्यूज नेटवर्क। जिला प्रशासन एवं रोटरी क्लब नालंदा के सहयोग से एजुकेशन टावर के प्रांगण में नालंदा के जिला अधिकारी के द्वारा वैक्सीनेशन केंद्र का किया गया शुभारंभ। प्रेसिडेंट रोटरियन संतोष कुमार एवं सचिव रोटरियन योगेश जी के नए रोटरी शस्त्र के पहले प्रोजेक्ट में कोरोना टीकाकरण केंद्र का शुभारंभ नालंदा के जिलाधिकारी के द्वारा रोटरियन पंकज कुमार के नामी ग्रामी कोचिंग एजुकेशन टावर के परिसर में किया गया। जिलाधिकारी ने वैक्सीनेशन कैंप काफी सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के कैंप को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लगवाएं ताकि लोगों को जल्द से जल्द टीका लग सके। टीका लगवाने वाले लाभार्थी को जिलाधिकारी ने प्रेरित करते हुए कहा कि टीका पूरी तरह से सुरक्षित एवं लाभदायक है। उन्होंने एजुकेशन टावर के संचालक रोटरियन पंकज कुमार, वाइस प्रेसिडेंट रोटरियन विश्वनाथ कुमार एवं क्लब के सचिव रोटरियन योगेश जी एवं रोटरी नालंदा के सभी रोटरियन के काम एवं तैयारियों की काफी तारीफ की और आगे के कार्यकाल के लिए बधाई भी दी। इस मौके पर मौजूद रोटरियन रहे चार्टर प्रेसिडेंट रोटरियन अजय कुमार सिन्हा, क्लब ट्रेनर रोटरियन रविशंकर, रोटरियन सुनीता सिन्हा, रोटरियन पंकज कुमार संजेवियर्स, रोटरियन डॉक्टर अशोक कुमार, रोटरियन अजय अजीत कुमार, रोटरियन राजा बाबू, रोटरियन देवेंद्र प्रियदर्शी, रोटरियन ओम प्रकाश, रोटरियन तनु सिंह, रोटरियन संजीत कुमार, रोटरियन पवन किशोर, रोटरियन राजीव रंजन WHO, रोटरियन सुमित रस्तोगी, रोटरियन खुशबू कुमारी, रोटरियन रवि शंकर CA इत्यादि। किस तरह लोग यहाँ का लक्ष्य है कि प्रत्येक जो एलिजिबल व्यक्ति है उसको टीकाकरण हम लोग करेंगे। सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो मुहिम चलाई जा रही है कि 6 महीने में 6 करोड़, उसके तहत हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। और इस जिले में काफ़ी बढ़ चढ़ करके मैं देख रहा हूँ कि इसमें सामाजिक जो संगठन है वो भी अपने सामाजिक सरोकार हैं, उसके तहत अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि प्रत्येक दिन मुझे एकाध केंद्र पर जाने का मौका मिलता है और मैं देखता हूँ वहाँ पर जो बेनिफिशरी रहते हैं उनसे भी मैं इंटरेक्ट करता हूँ कि आखिर उन्होंने अब तक टीके क्यों नहीं लिए। तो अलग अलग बात कई लोग बताते रहते हैं, लेकिन जो शुरुआत में हम लोगों ने देखा कि रेजिस्टेंस था वो अभी बिल्कुल नहीं है। और इसमें एक बड़ी भूमिका इन सामाजिक संगठनों की भी है जो लगातार लोगों के बीच में इसकी जागरूकता फैला रहे हैं, एडवोकेसी कर रहे हैं कि वैक्सीन सुरक्षित है और ये ही एकमात्र जो है सुरक्षा का जो कोविड है उससे अभी तक का एक उपाय है। तो आप देखेंगे कि लगातार शहर में भी जो केंद्र हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, उनकी भी संख्या बढ़ रही है। हम लोगों ने कुछ एक्सक्लूसिव वीमेन सेंटर भी खोले हैं जहाँ पर महिलाओं को टीका दिया जा रहा है। बाकी हमारे सभी सेंटर्स पर सभी के लिए टीका उपलब्ध है और प्रत्येक दिन बहुत बड़ी मात्रा में डोज उपलब्ध रहती हैं। हम लोगों का लक्ष्य है कि 15 जुलाई तक हम लोग इस टाउन को 100% वैक्सीनेट करें और इसके बाद में फिर हम लोग बाकी जगहों पर करें। आज के डेट में अगर हम लोग देखेंगे तो पूरे ज़िले की लगभग 1/4 आबादी को हम लोगों ने टीकाकृत कर दिया है। तो सभी लोगों से मेरी गुजारिश है आप लोगों के माध्यम से कि जिन लोगों ने अब तक अगर टीका नहीं लिया है वो अपने नज़दीकी केंद्र पर आकर के अपना टीका लें। और हम लोगों ने 9x9 टीका केंद्र भी खोला हुआ है, वहाँ पर भी आकर के ले सकते हैं। जहाँ भी सुविधा हो, जहाँ भी उनको आसान लगे वहाँ पर ये टीका लें। इस केंद्र पर जो हमारे रोटरी के यहाँ पर संगठन के जो हमारे पदाधिकारी हैं इन लोगों ने काफ़ी अच्छे इंतजाम किए हैं। आप देखेंगे वहाँ पर रजिस्ट्रेशन से लेकर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, टीका देने की व्यवस्था, उनके इंतजार की व्यवस्था, सारी चीज़ों का बहुत अच्छा यहाँ पर किया गया है। और ये पूरा इलाका बहुत घनी बस्ती है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर अधिक से अधिक लोगों का जो है टीकाकरण किया जाएगा, अधिक से अधिक लोग यहाँ से लाभान्वित हो सकेंगे। इतने जागरूकता के बाद भी बहुत सारे लोग कतरा रहे हैं, इससे क्या अपील करना चाहते हैं? अब जो भी लोग अभी कतरा रहे हैं तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि जो भी टीका अभी तक टीकाकरण के अभियान चलाए गए शुरुआती दौर में सभी में ये पाया गया कि लोगों को कुछ दिमाग में तरीके तरीके के भ्रम रहते हैं। इसमें भी हमने देखा, जैसे कल ही मैं एक केंद्र पर गया था, वहाँ पर जो बेनिफिशरी आई हुई थी वो PG की स्टूडेंट थी, इंग्लिश की, नालंदा कॉलेज में, और टीका लेने के बाद में इतना मोटिवेटेड थी कि उन्होंने स्वयं अपना वीडियो भी वहाँ पर बनवाया और बाकी लोगों को भी प्रेरित किया। तो ये जो रहता है, जो गलतफहमी है लोगों के बीच में, ये कहीं से भी सोशल मीडिया से या दूसरे स्रोत से आ जाती है
तो लगातार हम लोग इसका खंडन भी कर रहे हैं और हमारे जो सामाजिक संगठन है वो भी लगातार इस मुहिम में लगे हुए हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लोगों को टीकाकरण केंद्रों तक लेके आ रहे हैं, डोर टू डोर जाकर के उनको अवेयर भी कर रहे हैं कि अपना टीकाकरण करवाएं। और आगे आने वाले दिनों में हम लोग टाउन में अभियान भी चलाएंगे कि जिन लोगों ने टीका नहीं लिया है, अगर वो लोग दुकान खोल रहे हैं, कुछ वैसा काम कर रहे हैं जहाँ पर दूसरे लोग आते हैं, तो हम लोग की कार्रवाई भी इस पर करेंगे। जिसमें करीब 200 लोगों को महिला को टीकाकरण का व्यवस्था किया गया है। साथ ही साथ जो भी टीका ले रहे हैं उन्हें बताया भी जा रहा है, आप यदि आप टीका ले रहे हैं तो आपके परिवार के जो भी सदस्य टीका नहीं लिए उनको भी लेने के लिए जागरूक करें। टीका बिल्कुल सुरक्षित है, यदि आप आज लेते हैं तो आपको 3 महीने के बाद दूसरा टीका लेना है, ये भी बताया जा रहा है। ये बहुत जरूरी है, कोविड से यदि बचना है पूरे भारतवर्ष को तो सभी लोगों को टीका लगाना बहुत ही जरूरी है। साथ में जो भी गांव देहात में लोग हैं, जो बच्चे एजुकेशन टावर यहाँ जो हमारा कैंप लग रहा है एजुकेशन टावर में, जो भी बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं 18 साल से ऊपर जो भी है, उनको ये जरूर संदेश दिया गया है कि आप लोग जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं सभी को जागरूक जरूर करें कि हर आदमी टीका ले। नालंदा के द्वारा आज वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया गया है एजुकेशन टावर में। इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में खासियत ये रही कि आप डीएम साहब खुद आए और अवेयरनेस किए और हम लोग भी गली गली अपने जागरूकता रथ को भेजकर सबको जागरूक कर रहे हैं, जिसमें देख रहे हैं कि बहुत अच्छी रिस्पांस आ रही है। और सेंटर की विशेष विशेषता यह है कि हमारे पास सेंटर में सारी सुविधा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, सारी बैठने के लिए अलग से महिलाओं के लिए सुविधा है टीका लेने के लिए, और AFI रूम भी है, उसमें यदि किन्हीं को चक्कर उक्कर भी लगता है तो उनके बैठने की व्यवस्था भी है, तो सारी व्यवस्था से लैस है। और DM साहब इस व्यवस्था को खुद देखे और सराहें भी, अच्छा लग रहा है, आप लोग की भी सहयोग मिल रही है। और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग को कहना चाहेंगे और प्लस उनसे भी कहना चाहेंगे जो हमारे अंडर रहते हैं 18+ विद्यार्थी जो जिनके लिए एजुकेशन टावर कोचिंग है, वो हमेशा जागरूक के लिए लगे, वो टीका नहीं लेना, उनका काम है जागरूक करना, है ना, टीका भी लेना और जागरूक भी करना, तो जागरूक करें, मोहल्ले को, गांव को, अगल बगल पड़ोस को जागरूक करें टीका लेने के लिए, पूर्णतः सुरक्षित है, सारे लोग ले चुके हैं, हम खुद ले चुके हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, बहुत अच्छी टीका का प्रभाव रहता है। अगर हमें कोरोना से आगे लड़ना है तो टीका लगाना पड़ेगा। बाकी सब लोग हैं यहाँ पर जो अपनी व्यवस्था मैनेज देख रहे हैं, प्रशासनिक व्यवस्था देख रहे हैं, सब लोग को हम अपनी तरफ से धन्यवाद कहेंगे, खास करके रोटरी क्लब ऑफ नालंदा को और हमारे जिला प्रशासन, जिला स्वास्थ्य समिति, बहुत बहुत धन्यवाद के लायक है जो हम लोग को इसके करने का मौका दे रहे हैं, इसको आगे बढ़ाने का मौका दे रहे हैं। थैंक यू। ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharsarikh.com। बचपन इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल। करवाए अपने बच्चों का फ्री नामांकन। पता DDC आवास के पीछे, नालंदा हेल्थ क्लब रोड, एतवारी बाजार, बिहार शरीफ, नालंदा। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www